अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 3 इस्लामियात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चौथे बाब में इखलाकियात चैप्टर में से गुफ्तगू के आदाब पढ़ेंगे। ठीक है, गुफ्तगू के आदाब जो कि सफ़ा नंबर 34 पे है। गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू के मायने बातचीत के हैं। इसको अंडरलाइन करें कि गुफ्तगू का क्या मतलब है। बातचीत करना, बातचीत करने से हमें किसी दूसरे शख्स की शख्सियत, आदात और इखलाक का अंदाज़ा होता है। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जमा, लोगों से अच्छी बात कहो। सूरह बकरा में है, लोगों से अच्छी बात कहो, और ये आयत नंबर 83 है। इसको आप अंडरलाइन करें, लोगों से अच्छी बात कहो। ये आपके MCQs की सूरत में भी आ सकता है, टिक क्रॉस में भी आ सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम लहजे में गुफ्तगू फरमाते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा बहुत ही नरम होता था। बात मुख्तसर और ठहर ठहर कर करते थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आसानी से समझ सकते थे। अगर कोई वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मुस्कुराकर खुशामदीद कहते और गुफ्तगू के दौरान वक्त के बड़ों को पहले बोलने का मौका देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सबसे अहम बात यह होती थी कि वक्त के जो बड़े होते थे आप उनको पहले बोलने का मौका देते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मज़ा भी फरमा लिया करते थे। मज़ाक, थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेना, लेकिन मज़ा में भी कोई ऐसी बात ना करते जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे या वो बात गलत हो। हमें भी चाहिए कि हमेशा सोच समझकर आहिस्ता और ठहर ठहर कर गुफ्तगू करें ताकि सुनने वाले को बात समझ में आ सके। ज़ोर ज़ोर से या चीख कर बात नहीं करनी चाहिए। ये गुफ्तगू के आदाब हैं कि हमेशा सोच समझकर ठहर ठहर कर आहिस्ता आवाज़ में गुफ्तगू करें ताकि सुनने वाले को आसानी हो और वो आपकी बात को मुकम्मल तौर पर समझ सके। ज़ोर ज़ोर से या चीख कर बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, ये अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, अपनी आवाज़ पस्त रखो, आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। सूरह लुकमान में है और आयत नंबर 19 है। वालदैन, असातज़ा और बड़ों से अदब से गुफ्तगू करनी चाहिए, उनसे गैर ज़रूरी बहस नहीं करनी चाहिए। अपने साथियों से गुफ्तगू करते हुए एक साथ नहीं बोलना चाहिए, बारी बारी बात करनी चाहिए। पहले दूसरे की बात को गौर से सुनना चाहिए और फिर सोच समझकर जवाब देना चाहिए। बात नरमी से और ठहर ठहर कर करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, गुफ्तगू के आदाब में आपको किस तरीके से बात करनी चाहिए ये सिखाया गया है, और सबसे पहले बात करने से पहले ये सोच समझ लेना चाहिए कि हमारी बात किसी को बुरी ना लगे, और बात हमेशा बारी बारी करनी चाहिए। सबसे पहले बड़ों को बोलने के लिए वक्त देना चाहिए। हमेशा सोच समझकर नर्म लहजे में आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर गुफ्तगू करनी चाहिए। पहले दूसरे की बात सुन लेनी चाहिए, उसके बाद अपनी बात करनी चाहिए। अपने असातज़ा और बड़ों से अदब से गुफ्तगू करनी चाहिए। और दूसरी ये बात कि चीख चीख कर और ज़ोर ज़ोर से बोलकर हम अपनी बात नहीं मनवा सकते। हमें चाहिए कि चीख चीख कर या ज़ोर से बात मत करें, हमेशा नर्म लहजा अपनाएं और गैर ज़रूरी बहस से परहेज़ कीजिए। अब हम मश्क की जाने बढ़ेंगे। खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1, गुफ्तगू के मायने बातचीत के हैं। खाली जगह में क्या आएगा? बातचीत के। नंबर 2, हमारे लिए बेहतरीन नमूना डैश की ज़िंदगी है। हमारे लिए बेहतरीन नमूना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। नंबर 3, हमेशा सोच समझकर और डैश कर गुफ्तगू करें, आहिस्ता और ठहर ठहर कर। नंबर 4, आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ डैश की है, गधे की है। हमें अपने से बड़ों से डैश नहीं करनी चाहिए, बहस हमें अपने से बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए। सवालात के जवाब आपको PDF में दिए जाएंगे। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब के आगे टिक और गलत जवाब के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1, गुफ्तगू के मायने खामोश होने के हैं, गलत।
क्रॉस लगाएंगे। गुफ्तगू हमेशा ठहर ठहर कर नरमी से करनी चाहिए। सही दुरुस्त। नंबर 3, गुफ्तगू करते हुए हमेशा अपनी बात पहले करनी चाहिए। गलत। गुफ्तगू करते हुए सबसे पहले दूसरों की बात सुननी चाहिए। नंबर 4, बातचीत करने से दूसरे शख्स के इखलाक और आदात का अंदाज़ा होता है। ये दुरुस्त है। नंबर 5, मज़ा में भी दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। दुरुस्त। थैंक यू स्टूडेंट्स।